नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल पर। तो किसान भाई, मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। खास तौर पर आलू के किसान भाइयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा आलू के किसान भाइयों को एक बार फिर बड़ी राहत है। जो आलू का रेट है, आलू के रेट को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला होने वाला है। तो किसान भाई, मैं आपको बताऊंगा, जितने भी आलू के किसान भाई हैं, जितने भी दो तीन दिन से बहुत ही ज़्यादा जो आलू का भाव है बहुत ही ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक बार फिर बहुत तेज़ी आने की जो संभावना है वो जताई जा रही। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ बताऊंगा। किसान भाइयों, अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको सारी अपडेट के साथ बताते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूंगा आलू के किसान भाइयों के लिए एक बार फिर बड़ी राहत। आलू को लेकर अभी आया एक बड़ा फैसला। क्या फैसला आया है किसान भाई, मैं आपको बता दूं, जो अपने फर्रुखाबाद और कानपुर जैसे बड़े व्यापारी हैं, ये किसान भाइयों अपने इधर का जो आलू है ये ट्रेन के जरिए, बोगी के जरिए किसान भाइयों सिक्किम, म्यांमार, केरल जैसे, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेटों में जाएंगे और वहां पर इसका जो नीलामी है वो करवाएंगे। तो किसान भाई, ये बड़ी अपडेट है। अगर वहां पर अच्छा आलू सेल हुआ, अच्छा आलू का जो रेट है वो अच्छा मिला, तो बहुत ही ज़्यादा ताबड़तोड़ तरीके से बहुत ही ज़्यादा ट्रेन वहां पर ले जाई जाएंगी। अगर किसान भाई वहां पर भाव अच्छा नहीं मिला तो किसान भाइयों अपने यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं वो वहां पर बहुत ही कम माल लेके जाएंगे आलू का। और किसान भाई, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो माल है सिक्किम, म्यांमार और केरल जैसे प्रदेशों में अपने यहाँ के से फर्रुखाबाद का जो आलू है, कानपुर का जो आलू है, यहाँ पर जो ट्रेनें हैं वो रवाना हो चुकी हैं। किसान भाई, एक बड़ी अपडेट है। आने वाले दिनों में अच्छी खासी जो तेजी है वो देखी जा सकती है।